हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। राजस्थान जी के अध्ययन का यह 10वां लेक्चर है। नवे लेक्चर का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था, आपने ले लिया होगा। आगे चलते हैं। भौतिक प्रदेश आज हम पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाग, एक बात ध्यान रख लीजिए, टोटल चार भौतिक विभागों में बांटा गया है। अब चार हैं तो चार क्यों हैं? देखिए होता क्या है, भौतिक विभाग या भौतिक प्रदेश किसे कहा जाता है? सबसे पहले अपन बात करते हैं देश की। देश को राज्यों, प्रांतों, सूबों में बांटा गया, तीनों एक ही नाम है। तो ये बट गए। क्यों बांटा गया? क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अलग अलग होगी और अलग अलग तरीके से इनको संघीय ढांचे में कन्वर्ट करके रन किया जाएगा, इसीलिए अपन देश को राज्यों में बांटते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा राज्य भी अलग अलग कंडीशंस में बटे हुए हैं, पर वो पॉलिटिकल कंडीशन नहीं होती, वो होती ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो उस ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार राज्यों को भौतिक विभागों या भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। बांटने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि स्पेसिफिक तरीके से उसका अध्ययन किया जा सके। और अगर चार भागों में कोई राज्य बटा है, चार भौतिक प्रदेशों में या चार भौतिक विभागों में कोई राज्य बटा है, जैसे कि राजस्थान बटा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा उस प्रदेश की या उस राज्य की जो जलवायु कंडीशन है वो चारों ओर समान नहीं रहेगी। क्योंकि अगर समान होगी तो फिर बांटने की जरूरत ही क्या है, एक ही भौतिक प्रदेश में उसका अध्ययन किया जा सकता था। लेकिन जलवायु, वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन सब कुछ अलग अलग होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं राजस्थान के मैप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये पूरा राजस्थान, इसको पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा यहाँ पर ऐसा आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे अपन, यहाँ से अपन देख सकते हैं, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा लगता है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम कर लीजिएगा इसको। अब पूरे राजस्थान में ये आप देख सकते हैं टोटल चार भाग है। पहला भाग है ये, अब ये पहला भाग का भी आधा भाग है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। पहला भाग का भी आधा भाग है। पहला भाग पूरा कहां होता है? ज्योग्राफिकली यहां पर। दूसरा भाग यहां से निकलता है, यहां पर आता है। और तीसरा भाग ये होता है, और चौथा भाग जो है वो बिल्कुल ये वाला क्षेत्र होता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अपन इसको मिटा सकते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये पहला भाग का भी आधा भाग है, ये देख लीजिए आप। तो इस प्रकार से ये बटे हुए हैं। अब इनका क्या नाम है, क्या काम है, कैसे होते हैं, कैसे प्रश्न बनता है, समझना बहुत जरूरी है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना, इनकी डायरेक्शन इधर चलेगी। डायरेक्शन किधर चलेगी इनकी? इनकी डायरेक्शन इधर की साइड में चलेगी। आगे देखते हैं, अब इन भागों के नाम क्या है, भौतिक प्रदेश है, इन भौतिक प्रदेशों के या भौतिक विभागों के या भागों के क्या नाम है? तो आप ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर रेत होगी तो डेफिनेटली वहाँ का टेम्परेचर भी अलग होगा, जलवायु भी अलग होगी। जहाँ पर रेत होगी और वो जैसलमेर वाला स्थान होगा तो वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बिल्कुल अलग होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर रेत है। लेकिन जहाँ पर मरुस्थल होगा और सीकर जैसा स्थान होगा तो जैसलमेर जैसा तो नहीं हो सकता ना, लेकिन है तो मरुस्थल, मरुस्थल में 12 जिले अपने आते हैं, तो वहाँ की जो कंडीशन है वो अलग होगी। उसी प्रकार से जहाँ पर नदियाँ बहेंगी और नदियों के आसपास के क्षेत्र होंगे, जैसे मान लीजिए बनास, जैसे मान लीजिए कि आपके माही नदी है, जैसे मान लीजिए कि आपके चंबल नदी का बेसिन है, तो वो जो स्थान है, वो जो भौतिक प्रदेश है, उसका नाम अलग होगा। एक बात और है, जहाँ से अरावली पर्वतमाला गुजरेगी या अरावली के पहाड़ होंगे वो स्थान अलग होगा, और जहाँ पर बिल्कुल ही अलग कंडीशन होगी जो कि आपके दक्षिणी पूर्वी स्थान पर होती है, उसका नाम अलग होगा। तो ये देख लीजिए वो स्थान कौन सा है, हाड़ौती का पठार। तो इस प्रकार से इनको बांटा गया। आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है। अब इन सभी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो अपन इसका ओवरव्यू लेंगे, रिव्यू लेंगे, किस प्रकार से सारी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं। एक बार आपको ये बस पता चल गया कि ये चीज़ कहाँ कहाँ राजस्थान के अंदर है, उसी में आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके प्रश्न बनते हैं कि ये किस प्रकार से हैं, वहाँ की लोकल कंडीशंस क्या है। जो प्रश्न आपके डायरेक्ट बने हुए हैं उनको भी अपन यहाँ पर लेंगे। सबसे पहली बात, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपको मैप बिल्कुल ढंग से छपा होना चाहिए। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये बालू का स्पूत प्रदेश आ रहा है, यहाँ पर बालू का स्पूत मुक्त प्रदेश आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये जैसलमेर का एरिया है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा मैप पर ध्यान दे रहा हूँ।
पता नहीं हो तो देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ जैसलमेर आ रहा है, तो ऐसे आपको याद हो गया होगा, खैर इतना कठिन ये लगता नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पश्चिमी मरुप्रदेश। अब इसे पश्चिमी मरुप्रदेश भी कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है ये, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले ये सोचिए, पश्चिम यानी कि रेत यानी कि जैसलमेर, तो ये जो एरिया है ना ये इसके अंदर आता है पश्चिमी मरुप्रदेश के अंदर, लेकिन ये यहां तक आता है। मैंने दो लकीरें खींची थी ना पहली बार में भी, तो ये दो लकीरों का मतलब बहुत स्पष्ट है, क्योंकि ये तो जो है आएगा तो ये इसी के अंदर, लेकिन ये रेत वाला है और ये अर्ध शुष्क जलवायु वाला है, ये जो एरिया है ना ये वाला, ये अर्ध शुष्क जलवायु वाला है लेकिन मरुस्थल है, क्योंकि मरुस्थल में अपने पास कितने आ रहे हैं, 12 जिले आते हैं, इसी वजह से ये दो लकीरें मैं खींच रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा पश्चिमी मरुप्रदेश, ठीक है। अब इस पश्चिमी मरुप्रदेश के अंदर भी दो पार्ट है, एक है रेतीला मैदान, रेतीला मैदान होगा तो शुष्क तो अपने आप ही हो जाएगा वो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो रेतीला शुष्क मैदान तो ये हो गया पूरा अपना, जो जैसलमेर इसके अंदर आ गया आपका, मरुस्थली सारी चीजें यहाँ पे आ गई। और उसके बाद अर्ध शुष्क में बात करूं तो थोड़ा आगे आ जाएंगे, जिसमें थोड़ा सा तो आ जाएगा आपका लूनी का बेसन, जिसे हम गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, कल ही पढ़ा अभी। और उसके बाद आपका आ जाएगा सहकावटी प्रदेश, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना अर्ध शुष्क वाला, और ये हो जाएगा अपना पश्चिमी मरुप्रदेश के अंदर रेतीला शुष्क प्रदेश, क्योंकि रेतीला है तो शुष्क तो वैसे ही हो जाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो रेतीला शुष्क मैदान है ये वाला, ये भी दो भागों में बटा हुआ है। अब आप कहेंगे सर रेतीला शुष्क है, अब इसको दो भागों में कैसे बांटेंगे, दो भागों में ऐसा, एक है बालू का स्पूत युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है बालू का स्पूत मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश। तो जो बालू का स्पूत मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश है वो ये वाला है, और इसके इधर वाला जो है ये आपका हो जाता है स्पूत युक्त प्रदेश, ठीक है ना। आपको पता होगा श्रीगंगानगर इनमें काफ़ी ज़्यादा, सूरतगढ़ हुआ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेत पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा रेतें उड़ती है यहाँ पर। तो बालू का स्पूत युक्त, बालू का स्पूत मुक्त आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट आता है ये वाला, ये तो अपने पूरा पढ़ लिया ऊपर वाला, तो इसको तो छोड़ देते हैं। नीचे वाले पार्ट के अंदर आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी, एक तो आता है बांगड़, ये बांगड़ क्षेत्र है, एक आता है, अब बांगड़ को आप वागड़ मत कर देना, वागड़ बिल्कुल नीचे आता है, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का है, व और ब का भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है अपने यहाँ राजस्थान में। बांगड़ के साथ साथ दूसरा आ रहा है गोडवाड़, गोडवाड़ भी आ रहा है, बांगड़ भी आ रहा है, तो गोडवाड़ लूनी का बेसन से आप याद रख सकते हैं, लूनी नदी जो भी नदी आएगी अपना बेसन साथ में लेकर आएगी, हर एक नदी अपना बेसन बनाती है, बेसन नहीं बेसिन कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो बेसिन लूनी का बेसन आ गया और आपका सेकावटी प्रदेश आ गया। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही है, ये सारी चीजें आ रही है अपनी पश्चिमी मरुप्रदेश के अंदर। ये लाइन जो है थोड़ी आगे निकल गई, अरावली इसके टच कर गई थी, ये देख लीजिए बिल्कुल, ये पूरा ये किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो दूसरा वाला है इसको भी चार भागों में डिवाइड किया हुआ है, ये जो बचा है ना दूसरा वाला, मतलब इस पहले पश्चिमी मरुस्थल का ब भाग जो है अर्ध शुष्क मैदान वाला और बांगड़ क्षेत्र वाला, इसको चार भागों में बांटा गया है। चार भाग कौन सा है, एक तो गोडवाड़ और लूनी का बेसन, एक आंतरिक जलप्रवाह या सेकावटी प्रदेश, तो सेकावटी यहां पे आ रहा है, दिख रहा है आपको। इसके आगे चले तो अपने पास आता है दो, बाकी दो भाग है, वो एक आता है यहां पर नागौर, आपको दिख गया होगा, और एक अपना आएगा घग्गर का मैदान, समझ में आई बात। तो ये जहां भी प्रश्न आपसे पूछ लिए, नागौर उच्च भूमि, घग्गर का मैदान, सेकावटी प्रदेश या बांगड़, ये कहां पाएंगे, ये आएंगे पश्चिमी मरु प्रदेश के अंदर। और पश्चिमी मरु प्रदेश के भी किस भाग में आएंगे, ये आएंगे अर्ध शुष्क भाग में। ये दोनों चीजें आपको रटवा होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कई बार प्रश्न ऐसे ही बने हैं कि अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर निम्न में से है, अब आंसर ही नहीं लगा पाते, पता नहीं कहां घूम जाते हैं, या ये भी पूछ लिया जाएगा कि अर्ध शुष्क प्रदेश जो है वो किस भौतिक भाग में आता है, तो भौतिक भाग कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इसके बाद अपनी मैंने बताई थी कि इसके बाद ये आधा राजस्थान से, आधे से भी ज्यादा राजस्थान तो यही अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ही है, पश्चिमी उत्तरी भी से कहते हैं। बाकी ये बचा, इनमें तीन है,
इसके अंदर कितने, तीन, एक ये, दूसरा है, तीसरा ये, ठीक है। तो इनको पढ़ते हैं। तो अब आता है अपना अरावली पर्वत श्रेणी का या अरावली पहाड़ी का जो क्षेत्र होता है वो। भाई डेफिनेटली जहाँ रेत होगा वहाँ की जलवायु अलग होगी, वहाँ का मौसम अलग होगा, और जहाँ पे पहाड़ होगा वहाँ का मौसम अलग होगा, ठीक है ना। आगे मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँगा, राजस्थान का धरातलीय उच्चावच, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। बस बात यह है कि ये मैप आपको समझ में आना चाहिए, ये मैप समझ लिया तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब अरावली श्रेणी और पहाड़ी वाला जो प्रदेश है ना, बेसिकली इसके अंदर क्या है, ये अरावली आप देख लीजिए, एक छोटा सा हिस्सा तो इसका अरावली की पहाड़ियों का यहाँ का आ रहा है, उसके बाद मध्य अरावली आ रहा है, और आबू पर्वत और भोराट का पठार भी आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अलवर भी है, जयपुर का खंड भी है, भोराट का पठार भी है, उदयपुर का खंड भी है, और आबू खंड भी है। तो ये खंड पे प्रश्न बन सकता है, तो मैप से भी वैसे आप समझ सकते हैं। ये देख लीजिए मैप में, अगर आप देखें ये अरावली का ये वाला क्षेत्र है, तो इसके अंदर ये जयपुर आ गया, अलवर आ गया, आपका उदयपुर भी आ गया, भोराट का पठार भी आ गया, और ये सिरोही वाला पार्ट आया, तो आबू पर्वत भी आ गया। मैप रट लिया तो सब रट गया, ज्योग्राफी इज जस्ट अबाउट द मैप, ठीक है। तो ये हो गए, अपने याद करने की जरूरत नहीं है, मैप याद है। तो अलवर भी आ जाएगा, जयपुर का खंड भी आ जाएगा, मध्य अरावली का जो प्रदेश है उसमें जयपुर का खंड आता है, और मेवाड़ी चट्टान या भोराट का पठार जो अपन ने कल जाना था उसके बारे में, वो भी आ जाएगा उदयपुर खंड का, और दक्षिणी अरावली प्रदेश जो कि आबू पर्वत या आबू खंड जिसे अपन कहते हैं। आगे ये कौन सा हुआ, ये दूसरा भौतिक प्रदेश हुआ जिसका नाम क्या था, अरावली श्रेणी या पहाड़ी का प्रदेश। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब साहब ये तो हुआ कि सबसे ज़्यादा रेत हो गई तो गर्म हो गए, थोड़ा अरावली आई तो थोड़ा ठीक ठाक वातावरण आ गया, लेकिन सर अगर मान लीजिए नदियाँ आ गई तो फिर क्या होगा? तो नदियों का भी मौसम अलग होगा। तो नदियों वाला मौसम कब आएगा? जब चंबल आएगी, जब बनास आएगी, और जब छप्पन का बेसिन आएगा। अब छप्पन का बेसिन जो है वो आपको याद होना चाहिए, छप्पन का बेसिन बेसिकली माही नदी वाला मैदान ही होता है। आपको पता होगा ना, माही नदी याद करो, जाखम बांध याद करो, सबसे ऊंचाई पे बनने वाला राजस्थान का बांध, अब याद आ गया होगा। तो चंबल बेसिकली कहाँ पर है? हाड़ौती से बहती है ये। तो हाड़ौती यहाँ पे चंबल का बेसिन है, चंबल नदी से संबंध मत कर लेना, बेसिन नदी के आगे होता है, नदी से संबंध में होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नदी जहाँ से निकल रही वहीं बेसिन होगा, उसके आगे भी बेसिन कहा जाता है। तो चंबल का बेसिन आ जाएगा, ये पूरा एरिया चंबल का बेसिन में ही है, ये वाला। उसके बाद बनास नदी, क्योंकि टोंक आ रहा है, दिख रहा है ना टोंक, ये देख लीजिए मैप में नहीं दिख रहा था, टोंक कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यही तो अपन पढ़ रहे हैं, अभी जो मैंने गोला किया था वो यही था, ये देख लीजिए यहाँ पे मैप के अनुसार बिल्कुल यही आ रहा है। तो ये अपना टोंक आ गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा माही नदी का भी आता है, तो बनास का बेसिन आ गया, टोंक आ गया, तो और छप्पन का बेसिन क्योंकि माही नदी आ गई है। समझ में आ गई बात? तो ये जो होता है, ये होता है अपना पूर्वी बेसिन का मैदान। अब पूर्वी बेसिन का मैदान, तो बेसिन जहाँ पे आगे आएगी तो सारी नदी आई, और ये पूर्वी क्षेत्र भी आ चुका है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। अब छोटा सा हिस्सा जो चारों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, वो हिस्सा होता है अपना हाड़ौती। अब यहाँ पर भी आपकी एमपी है, यहाँ पर भी एमपी है, ठीक है ना, चारों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। हाड़ौती के अंदर बेसिकली क्या है? हाड़ौती का पठार है, और दक्कन का पठार है, और आगे जाएंगे धौलपुर की तरफ तो विंध्यन कगार आ जाता है। तो इसके अंदर एक तो आएगी विंध्यन भूमि, एक आएगा दक्कन की लावा भूमि। जस्ट याद रखना है, ये छोटा सा एरिया है, इसको ऐसे करके यहाँ से थोड़ा ही ले रखा है, पूर्वी पूर्वी दक्षिणी से भी कहा जा सकता है, या दक्षिणी पूर्वी भी कहा जा सकता है, पठार है बेसिकली। चारों भाग समझ में आए नहीं आए? चारों भाग समझ में आ गए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, ये उच्चावच है, आप इसको ध्यान से समझिए, राजस्थान का धरातलीय उच्चावच, यानी इसका मतलब क्या होता है? उच्चावच को अपन अंग्रेजी में कहते हैं, अगर मैं सही हूं तो, रिलीफ। बेसिकली जो धरती होती है ना, वो धरती कहीं समतल होगी, कहीं नदियों वाली होगी, कहीं पर्वतों वाली होगी, कहीं मरुस्थल वाली होगी, तो इस धरती की इस कंडीशन को अपन उच्चावच में नापते हैं या उच्चावच से समझते हैं,
एक तरफ आपको दिख रहा होगा ये मैप जिसमें सब नाम वगैरह लिखे हुए हैं, ये आपकी सुविधा के लिए है ताकि आपको बढ़िया समझ में आ सके। एक तरफ ये मैप है जिसमें उच्चावच के बारे में बताया हुआ है, रिलीफ के बारे में बताया हुआ है, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊंची भूमि या सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली भूमि कहाँ होगी। अब इस मैप से आप आसानी से समझ सकते हैं, अपन को वैसे ही पता होता है सिरोही के अंदर है, लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पर ये जो सफ़ेद स्थान दिया हुआ है ना, ये वाला है कि आपकी जो ऊंचाई है मीटर में वो है 150 से कम। तो 150 से कम मीटर की ऊंचाई कहाँ पर है, ये वाली, ये ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है, ठीक है, ये वाली भूमि। तो ये कौन सी आ रही है, एक तो जालौर आ रहा है, देख लीजिए इधर जालौर बाड़मेर वाली भूमि आ रही है, एक आ रहा है अपना जैसलमेर, ठीक है, यही यही बन रहा है ये। आगे चलें 151 से 300 तक की भूमि, तो ये वाली जो भूमि होती है 300 मीटर की ऊंचाई वाली, ये भूमि अपने पास आती है जो सर्वाधिक भूमि अपने पास राजस्थान में है, 151 मीटर से लेकर के 300 मीटर तक की। तो इसमें सारे आ जाएंगे, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए ये क्या आ रहा है, हनुमानगढ़, गंगानगर, इपरे इधर भी आ जाते हैं, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ भी आ जाते हैं। उसके बाद अगर अपन चलें, अब 300 से 600 मीटर ऊंचाई वाली जो भूमि होती है ये पूरी, ये मैंने अभी अरावली वाला बताया था ना क्षेत्र, तो ये अरावली वाला क्षेत्र आ जाता है इसमें, ये पूरा आपका आ जाता है, अलवर भी आ जाता है, और ये जयपुर खंड, अजमेर खंड वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है। आगे अपन चलें तो सबसे अधिक होती है 900 से भी ज़्यादा के ऊपर वाली, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आती है 600 मीटर से भी 900 मीटर तक की जो भूमि होती है वो राजस्थान के किस किस जिले में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है अपनी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये राजसमंद और सिरोही वाला जो एरिया है इसी में पाई जाती है, देख लीजिए यही है, ये क्रॉस क्रॉस के निशान बन रहे हैं इसलिए आप देख सकते हैं। इसके आगे चलें तो 900 मीटर से भी अधिक ये एक ही स्थान पर पाई जाती है, बहुत छोटे स्थान है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये कहाँ पर पड़ रहे हैं आपके, ये पड़ रहे हैं आपके सिरोही के अंदर, माउंट आबू के अंदर, सिरोही के अंदर वही स्थान आ जाता है ये वाला। तो ये होता है उच्चावच, इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी भूमि कहाँ की किस ऊंचाई पे है। अगर भूमि की ऊंचाई आपको पता है तो आप पता लगा सकते हैं वहाँ की जलवायु कंडीशन क्या होगी। जितने ज़्यादा ऊपर अपन जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंडाई अपन को महसूस होती जाती है, पर्वतों पर बर्फ जमी होती, क्यों जमी होती, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है डाउन होता है, जैसे जैसे खुले मैदान में आते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये प्रश्न यहीं से क्लियर हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर 150 मीटर की ही ऊंचाई वाली भूमि पाई जाती है। जैसे जैसे अपन जाएंगे सिरोही की तरफ तो यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है क्योंकि भूमि इतनी ऊंची है। समझ में आ गई बात, ये उच्चावच वाला पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब डिटेल में अध्ययन करते हैं भौतिक विभाग के बारे में, राजस्थान के मुख्य भौतिक विभाग, पहला अपना आता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको अपन ने जाना उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश। अब इस उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश को मैप के माध्यम से अपन देख चुके हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि पक्का हो जाए, ये एरिया आएगा और ये दो भाग इसके अंदर होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं डिटेल में, अब इसके अध्ययन कर लेते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कौन कौन से जिले आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही है। सबसे पहली बात ये होती है पश्चिमी मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं, सबको पता है, ये ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अब ध्यान रख लेना, मैप देखोगे ना वर्ल्ड का तो अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग, राजस्थान का और भारत का तो ये कौन सा भाग है, पश्चिमी, यानी कि अफ्रीका का मरुस्थल इधर अड़ रहा है, ये अपना इंडिया आ गया और इनमें ये राजस्थान आ गया, तो अपना तो हो गया पश्चिमी, ये उसका अफ्रीकी मरुस्थल जो है इसका हो गया पूर्वी भाग, ठीक है। इसका नाम क्या है, ग्रेट पेलियो आर्टिक, ठीक है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व इसी मरुस्थल का है, बाकी अगर आप अफ्रीका में जाएं, सोमेलिया में जाएं, ऐसे देशों में जाएं, नाइजीरिया वगैरह में, तो वहाँ तो बहुत कम लोग पाए जाएंगे मरुस्थल के अंदर। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबाद है जैव विविधता वाला मरुस्थल है, यानी कि सबसे ज़्यादा आबाद है, सबसे ज़्यादा आबादी इसके अंदर है, जैव विविधता है और खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, इतना कोई खास खोप नहीं है मरुस्थल का, लोग घूमने भी आते हैं। तो आबाद तो हो ही गया कि लोग जब घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म हो रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, उस वजह से मरुस्थल की कैटेगरी में ये सबसे ज़्यादा आबाद है। अगर आप ओवरऑल अध्ययन करें तो और जगह से तो ये कम ही होगा, क्योंकि जहाँ पर बढ़िया पानी है वहाँ तो ज़्यादा आबादी होगी।
थार का रेगिस्तान उत्तर पश्चिम में लगभग 640 किलोमीटर तो लंबा है ये, और लगभग 300, अब ये ध्यान रख लेना, लंबा और चौड़ा आ रहा है इसलिए किलोमीटर का नाम ले रहा हूं, ऊंचा आता तो मीटर का नाम लेता, ये कंफ्यूज करेगा आपको। 300 मीटर ये आपका जो है चौड़ा है, यानी कि इधर तो है 640 और इधर है ये 300, इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं ये थार का रेगिस्तान जो है, यहाँ पर आप देख लीजिए इसकी जो लंबाई है, ये पूरी लंबाई जो है इसकी, ये है आपकी 640 और चौड़ाई है 300। कन्फ्यूज नहीं होना है लंबाई और चौड़ाई के मामले में, पूछ ली जाती है एग्जाम में कई कई बार। 300 किलोमीटर चौड़ा हो गया ये। आगे चलते हैं, ये राज्य के कुल भूभाग का, आपके कुल राज्य के भूभाग का 61.11% है। मैंने आपको बताया ना पूरे राजस्थान में से बहुत बड़ा पार्ट ये है, अभी मार्क करके भी आपको बताया था मैप में। आगे चलते हैं, यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या की 40% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। राज्य के इस पूरे भूभाग में, मरुस्थलीय प्रदेश जिसको मैंने बताया अभी, इस पूरे भूभाग के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत 12 जिले आते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। ये 12 जिले कौन से हैं, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, पाली का भी कुछ भाग आता है। वाया मैप अपन समझ सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो है इसके अंदर आ रहा है, ये देख लीजिए पूरा पाली भी आ रहा है, जालौर आ रहा है, ये देख लीजिए पूरा एरिया इसके अंदर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा भूभाग है भौतिक प्रदेश की दृष्टि से। आगे चलते हैं, सबसे बड़ी समस्या अब यही आती है कि ये तो अपन पढ़ रहे हैं, इतना तो पढ़ लिया, जान लिया सर, इतना होता है, ये होता है, ये भाग में आता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर होता है अकाल, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा है और पानी नहीं है, रेगिस्तान है, तो क्या होगा, एक होती अतिवृष्टि, एक होती ओलावृष्टि, एक होती अनावृष्टि। तो यहाँ पर होगी अनावृष्टि, अतिवृष्टि में बरसात ज़्यादा आती, ओलावृष्टि में बरसात ना आकर के ओले आते हैं, और अनावृष्टि में पानी नहीं आता है, तो इस क्षेत्र में क्या होती है, अनावृष्टि होती है। त्रिकाल प्रश्न बनता है बार बार, त्रिकाल सन 1868 से 1869 ईस्वी में पड़े अकाल को कहा जाता है। जब भी गांव में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग ये बोल रहे हैं त्रिकाल पड़ रहा है, त्रिकाल मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बरसात नहीं आती, उसे कहते हैं, वो स्थिति हो जाती है त्रिकाल। इसका समय था 1868 से लेकर के 1869 तक ये अकाल पड़ा था। अकाल की वह स्थिति जब वर्षा इतनी कम हुई कि अन्न एवं चारे की कमी के साथ ही पेयजल की उपलब्धता भी न हो पाई, तो ये जो है वो समय था जिसे त्रिकाल के नाम से जाना जाता है। जस्ट प्रश्न बन जाता है आरपीएससी के अंदर कि त्रिकाल से क्या संबंध है या कब हुआ था, या ये भी पूछ लिया जाएगा किस भौतिक प्रदेश में पड़ा था ये, या किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। आगे आता है अपना स्थाई पाहुना, स्थाई पाहुना से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, स्थाई पाहुना का संबंध है, स्थाई पाहुना का संबंध होता है अनावृष्टि के कारण उत्पन्न अकाल को, तो इसे कहा जाता है स्थाई पाहुना, ठीक है ना। अनावृष्टि के कारण जो अकाल पड़ता है उसे कहा जाता है स्थाई पाहुना, रट लेना। इसके बाद आता है तीजो कुरियो आठवों काल, यानी कि ये क्या है, ये एक कहावत है, ये कोई अकाल नहीं है, ये एक कहावत है जो राजस्थान के लोग अक्सर मान करके चलते हैं कि 3 साल में एक बार एक छोटा सा अकाल पड़ेगा। छोटा सा अकाल मतलब ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन होगा अकाल ही, परेशानी तो होगी लोगों को लेकिन कम होगी, और लगभग हर 8 साल के अंदर किसान भाई लोग ये मानते हैं कि एक काल पड़ेगा जो त्रिकाल जैसा होगा, भयंकर वाला काल वो होगा। तो ये क्या कहावत का अर्थ है, राजस्थानी कहावत का अर्थ है कि 3रे साल में राजस्थान वर्ष में कुरिया यानी अर्ध अकाल, छोटा अकाल, और हर 8वें साल में भयंकर अकाल पड़ता है, ये अवश्य पड़ता है, ये कहावत है। तो इस कहावत का अर्थ भी पूछ लिया जाता है कई बार, तीजो कुरियो आठवो काल। अनियमित अपर्याप्त अनिश्चित वर्षा, राजस्थान में बारंबार सूखा और अकाल पड़ने का
मुख्य कारण है? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में बारंबार सूखा और अकाल पड़ने का मुख्य कारण क्या है? एक तो अनियमित होती है वर्षा, एक अपर्याप्त होती है, और एक अनिश्चित होती है, यानी कि पता नहीं होता है कब होगी ये, कब बरसेगी। स्वतंत्रता के बाद अकाल रहित वर्ष, स्वतंत्रता के बाद अकाल रहित वर्ष हैं 1999 से लेकर के 2000, ठीक है ना? तो 1999 और 2000 जो है अकाल रहित वर्ष माने जाते हैं आजादी के बाद। ये जो आपका त्रिकाल पड़ा था वो आजादी के पहले पड़ा था। खड़ेव या गोड़ू, खड़ेव या गोड़ू का मतलब होता है अकाल पड़ने पर मवेशियों को लेकर अन्य प्रदेशों की ओर चारा पाने की खोज में निकलने वाले व्यक्ति, तो उन्हें कहा जाता है खड़ेव या गोड़ू। खड़ेव व्यक्ति वो होते हैं जो अकाल पड़ जाने पर अपने जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, इनको लेकर के अन्य राज्यों की तरफ, अन्य प्रदेशों की तरफ मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं बेचारे। क्या करें कि वहां पर अकाल पड़ गया उनकी भूमि पर। फाई सागर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अपन कहाँ आ चुके हैं? अपन अजमेर में आ चुके हैं, ठीक है ना? फाई सागर क्यों बनाया गया था? ये झील है अजमेर के अंदर, आना सागर, फाई सागर, ढाई दिन का झोपड़ा, बहुत कुछ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की दरगाह वगैरह बहुत कुछ है। राजस्थान के अंदर सन 1891 और 92 में एक अकाल पड़ा था। ध्यान रख लेना मैं 1800 शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना? आजादी की पहले की बात है। 1891 और 92 में एक अकाल पड़ा था। उस अकाल का राहत कार्य के लिए एक झील का निर्माण कराया गया। उस झील का नाम था फाई सागर झील, और बाद में वो झील इतनी प्रचलित हुई कि आज वो अजमेर में एक दर्शनीय स्थल के रूप में भी जानी जाती है, टूरिज्म प्लेस एक प्रकार से बन चुका है। राजसमंद झील, राजसमंद झील का निर्माण देश में, देश का राजस्थान का तो पहला हो गई, देश की पहली अकाल राहत कार्य वाली ये झील थी। ध्यान रखना, देश की पहली अकाल राहत कार्य वाली झील पूछी जाए तो ये होगी राजसमंद झील। आगे चलते हैं पंचकाल। पंचकाल दोस्तों क्या होता है? 1812 और 13 ईस्वी में पड़े अकाल को पंचकाल कहा जाता है। जस्ट आपको याद रखना है, 1812 और 13 में पड़े अकाल को पंचकाल कहा गया है। साहस, मूदसा, ये जो अकाल है ये अकाल पड़ा था सन 1842 से 43 ईस्वी में, और उस टाइम पे जो विक्रम संवत की डेट थी वो थी 1899 से 1900 वाली। इस अकाल को विनाशकारी अकाल के नाम से जाना जाता है। तो साहस, मदूसा कहा जाता है। अंग्रेजी डेट पूछी जाए तो 1842, और हिंदी वाली डेट पूछी जाए जो विक्रम संवत वाली है वो है 1899, क्योंकि पुराने जमाने के लोग इसी को मानते थे 1899 को। और एक डेट के नाम पे भी अकाल पड़ा हुआ है, उसे कहते हैं छप्पनिया का अकाल। छप्पनिया का अकाल जो पड़ा था वो 1899 में ही पड़ा था और 1900 तक पड़ा था। इसी अकाल को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, छप्पनिया अकाल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सन था ये था आपका 1956। 1956 कौन सा था? ये विक्रम संवत वाला, ठीक है ना? तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये विक्रम संवत वाला है, ये अंग्रेजी संवत वाला है। आप कहें कि सर एक ही है, एक नहीं है। और ये राजस्थान में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला अकाल था। तो अकाल के बारे में अपन ने जाना, और मरुस्थलीय प्रदेश, भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाग के बारे में जाना। आगे और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरु जी के साथ। इसके पहले वाले वीडियो का पीडीएफ आपको मिल गया होगा, इनके भी पीडीएफ आपको लगातार मिलते रहेंगे। एक बात मैं और बता दूं, ये बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है जिनसे अलग अलग चीज़ों को लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे बेहतर बात यही है कि इन सब का लाभ लें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मकसद अपना सिर्फ एक ही है कि आपको चीज़ें समझ में आए, और समझ में आने से ज़्यादा याद हो। बहुत सारे लोगों को याद होने लगा है और हो रहा है। आप भी लाभ लें, और कई कुछ लाभ नहीं मिलता हो तो छोड़ें इस प्लेस को, कहीं और जाएं, टाइम बर्बाद ना करें, पर अपनी पढ़ाई में लगे रहें। धन्यवाद।